हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिकेट स्टेप्स। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी हैबिट के ऊपर जो आपके पर्सनल लाइफ को और प्रोफेशनल लाइफ को दोनों को ख़राब करती जा रही है और कई लोगों की लाइफ को बिल्कुल बर्बाद कर चुकी है और कई लोगों की लाइफ को बर्बाद कर रही है। तो अगर आपको इस हैबिट के बारे में जानना है तो आपको पूरा वीडियो देखना होगा कि ये हैबिट आपको कैसे इफ़ेक्ट कर रही है। तो पहले मैं इस हैबिट के नेगेटिव्स के बारे में बात करूँगा, उसके बाद बात करूँगा इसके पॉजिटिव के बारे में। पहले बात करेंगे नेगेटिव्स के बारे में कि ये हैबिट अगर आपके अंदर होती है तो क्या क्या नुकसान आपको होते हैं। हैबिट का नाम मैं आपको आगे बताऊंगा, पहले नेगेटिव और पॉजिटिव बताऊंगा। नेगेटिव की अगर मैं बात करूं तो ये हैबिट आपके अंदर आने के बाद आपकी पर्सनल लाइफ ख़राब होना स्टार्ट हो जाती है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ ख़राब होना स्टार्ट हो जाती है, आपके फैमिली के अंदर झगड़े बढ़ जाते हैं, आपके दोस्त आपसे दूर होना स्टार्ट कर देते हैं, आपके कोच आप पे ध्यान कम देते हैं, आपके जूनियर्स और आपकी टीम के अंदर आपकी इमेज बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, आपका गेम एक जगह फंस जाता है, आप कम मेहनत करते हो, कम प्रैक्टिस करते हो, ऐसा लगता है कि कम प्रैक्टिस करने के बाद मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत कर ली, जल्दी थक जाते हो, एनर्जी लूज रहती है हमेशा, मतलब आपके अंदर ऐसा नहीं रहता कि एक फायर रहती हो, मतलब आपके अंदर सो एनर्जी रहती है, वो इस हैबिट से होता है। तो ये इसका नेगेटिव पॉइंट है और इसके काफ़ी सारे नेगेटिव पॉइंट है, जब आप इसके ऊपर ध्यान से सोचोगे तो आपको मिल जाएंगे। अब बात करता हूँ पॉजिटिव्स के ऊपर। अगर आप इस हैबिट को डेवलप कर लेते हो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तो आपको क्या क्या मिलेगा, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिस भी काम को आप करते हो वो करने में आपको इंटरेस्ट आना स्टार्ट हो जाएगा, उसके अलावा आपका काम में मन लगेगा, साथ साथ आपकी इमेज आपके एकेडमी के अंदर इम्प्रूव हो जाएगी, कोच ध्यान देना स्टार्ट कर देंगे, आपका गेम एक अलग लेवल पर चला जाएगा, आप अपने गेम के बारे में आप खुद एनालाइज कर सकते हो कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ और कहाँ पर सही कर रहा हूँ, राइट। और इसके काफ़ी सारे फायदे हैं, फैमिली लाइफ आपकी अच्छी हो जाएगी, आपके दोस्त आपको लाइक करना स्टार्ट कर देंगे और आपकी हर जगह इज्जत होगी, पीठ पीछे कोई आपकी बुराई नहीं कर सकता। हाँ, अगर कोई बंदा आपसे बहुत ज़्यादा जलता है तो उसकी अलग बात है, बट अगर आपने ये हैबिट इम्प्रूव कर ली तो आपको बहुत सारे फायदे होंगे। और वो हैबिट क्या है मैं आपको बताता हूँ। वो हैबिट है आर्ग्यू करने की, जस्टिफिकेशन और रैशनलाइजेशन। ये तीन चीज़ें एक ही साथ कंबाइन होती हैं और इनके ऑलमोस्ट एक ही जैसे इफेक्ट होते हैं। आर्ग्यू मतलब आप जानते हो कि बहस करते हैं बच्चे, और दूसरा है जस्टिफिकेशन और रैशनलाइजेशन, ये दोनों एक ही चीज़ है। और जस्टिफिकेशन का मतलब ये होता है कि आपने सपोज कोई भी बात बोली चार लोगों के बीच में और किसी बंदे ने आपकी बात को गलत बोल दिया, तो आप जब तक अपनी बात सही नहीं करवा लेते ना, आप तब तक उससे लड़ते रहते हो, बहस करते रहते हो, तो आप मिस्टर राइट बनने की कोशिश करते हो कि जो भी बात मैं बोल रहा हूँ वो गलत है, ऐसे ही आपको नहीं पता, बट आप हमेशा सही करने की कोशिश करते हो उसे, और ये आपकी गलती नहीं है, ये आपकी आदत की गलती है, तो ये आपको आज सुधारनी पड़ेगी। तो अब आपको ये समझना है कि मैं ये आदतें अप्लाई कहाँ कर रहा हूँ, तभी आप इनको छोड़ पाओगे, क्योंकि जब तक आप इनके बारे में जानोगे नहीं तो आप इन्हें छोड़ नहीं सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं लगेगा कि आप कहाँ अप्लाई करते हो। तो इसके मैं आपको दो ऐसे केस बता रहा हूँ जिससे आप रिलेट कर पाओगे। तो बात करते हैं पहले केस के बारे में। इस केस के अंदर क्या है कि आप सपोज मैच खेलने जाते हो, बैट्समैन हो चाहे बॉलर, और आपने किसी दिन गंदा परफॉर्म कर दिया, आप बैटिंग करने गए, आपने रन नहीं बनाए, अच्छा बॉल पे आउट हो गया आप, या आपके पैड पे लग गया बॉल, या बल्ला आपके हाथ से छूट गया, कुछ भी हो जाता है उस दिन, आप बाहर जाते हो, लोग आपसे बोलते हैं यार तू तो मैच खराब करवा के आ गया, मतलब बहुत सारी बातें बोलते हैं, और आप क्या करते हो, क्योंकि आपका माइंडसेट क्या है, आपका बहस माइंडसेट है, बहस का माइंडसेट आपका पूरा रहता है, आप बहस करते हो, उनसे लड़ाई करते हो, फिर जब फील्डिंग के अंदर जाते हो तो ठुस हो जाते हो, इसी तरह बॉलर का है, मतलब एक्सक्यूज रहते हैं हमारे पास कि आज मेरी बॉडी नहीं खुली हुई थी, आज मेरा बॉल बहुत आगे पड़ रहा था, आज मैं फुल टॉस फेंक रहा था, वो सारे माइंड में हमारे चलता रहता है। तो अब होता क्या है, आप इस बात को समझ लो, जितनी बार आप एक्सक्यूज दोगे, जितनी बार आप बहस करोगे, आप जिंदगी में कभी ग्रो नहीं होते। क्यों? क्योंकि आप जिम्मेदार किसी और चीज़ को ठहराते हो कि मैं रन क्यों नहीं बना पाया, मेरे ग्लव्स गीले थे इस वजह से मैं रन नहीं बना पाया, या मुझे एम्पायर ने आउट दे दिया, तो अब आप जिम्मेदारी लेने से भागते हो, जिसकी वजह से आप ग्रो कभी नहीं करते, और एक्सक्यूज देने की आपको मैच बाय मैच आदत पड़ जाती है, और वो आदत आपको कैसे नुकसान करती है बता दूं आपको। जब आप ये बोलते हो ना कि मैंने वो चीज़ नहीं करी, तो आपका माइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, ये इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जिस दिन आप ये बोलना स्टार्ट कर दोगे ना कि मेरी गलती है कि मैंने अपनी टीम को आज जिताया नहीं, मेरी गलती कि मैंने आज विकटें नहीं ली, तो आपका माइंड आपसे बोलेगा कि कल से तेरे को मेहनत करनी है, आप चेक करके देख लेना। अपने माइंड को जिम्मेदार बनाना है कि यार मैं रन नहीं बना पाया, मेरी गलती है मैं रन नहीं बना पाया। बॉल एक दिन तो नीचे रहेगा, दो दिन तो नीचे रहेगा, 10 में से अगर 8 मैचेस में सेम चीज आपके साथ हो रही है, तो आप एक्सक्यूज देना मतलब एक अलग लेवल पे स्टार्ट कर चुके हो, ये आप ध्यान से समझ लो।
तो आपको जिम्मेदारी लेनी है। और इसी माया जाल के अंदर मैं कह रहा हूँ लाखों प्लेयर फंसे हुए जो कभी जिम्मेदारी नहीं लेते। 8-10 साल से वो क्रिकेट खेल रहे हैं, बस उनके मुंह पे एक्सक्यूज चढ़ा हुआ होता है और वो एक्सक्यूज उनकी आदत बन चुकी है, वो बहस उनकी आदत बन चुकी है, अपने आप को मिस्टर राइट बनाने की उनकी आदत पड़ चुकी है। तो ये आपको नहीं करना। इसका पर्सनल लाइफ में क्या नुकसान होता है? फिर आप मैच खेल के गए, बहस करके गए, मैच हार गए, बहुत ज्यादा गालियां पड़ी, बहस हुई, फिर आप घर में जाते हो। अब घर में जैसे ही आप घुसते हो, अगर घर वालों ने गलती से आपसे कुछ गलत वर्ड बोल दिया तो आपको एकदम से बुरा लग जाता है, फिर आप घर वालों से लड़ते हो। और अगर आप घर में बड़े हो और भाई बहन छोटे हैं तो फिर उनकी शामत आ जाती है। पानी के गिलास उन्होंने दिया और गलती हो गई तो आप गिलास फेंक के मार देते हो। मैंने लाइव देखा ये सब। टीवी फोड़ देते हैं कई बच्चे, है ना। तो आपको क्या होता है कि फिर आप घर के अंदर भी बुरे बन जाते हो। फिर आप घर से निकलते हो, मूड ठीक करने के लिए दोस्तों के पास जाते हो। दोस्तों में भी यही होता है, अगर किसी ने कोई छोटी सी बात बोल दी तो आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तो अब आपको यही नहीं पता कि मेरा माइंड कैसे काम करता है और किस वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ये हो रही है बहस की वजह से, जस्टिफिकेशन देने की वजह से। अगर आप इसके उल्टा करो ना कि आप मैच में आउट हो गए या आपने अच्छी बॉलिंग नहीं करी, अपने ऊपर जिम्मेदारी लो, तो आपको ये हमेशा लगेगा कि यस आज मैंने नहीं जीता ना, कल मैं जीताऊंगा। तो आपके अंदर एक चैलेंज आ जाएगा और जब आप चैलेंज लेते हो ना तो आपका माइंड आपके साथ काम करता है। इस मेथड में भी आप 2-4 बार फेल होंगे, ऐसा नहीं है कि इसमें आप फेल नहीं होंगे, लेकिन फेल होने के बावजूद सक्सेसफुल होने के चांस इसी मेथड के अंदर है जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो। पर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे तो कुछ नहीं हो सकता, मैं लिख के दे रहा हूँ आपको। इसी वजह से कई प्लेयर्स 10-10 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं और इस आदत की वजह से वो ऊपर नहीं खेल पाते, क्योंकि गेम डेवलप नहीं होता। जब चैलेंज आएगा तभी गेम डेवलप होगा भाई, उससे पहले बिल्कुल नहीं होने वाला। अब बात करेंगे हम केस 2 के बारे में और ये है अबाउट नेट्स। अब आप नेट के अंदर बैटिंग या बॉलिंग करते हो तो जब आप बैटिंग या बॉलिंग को फिनिश करते हो तो आपके सीनियर कई बार आपको बताते कि यार तूने बैटिंग के अंदर ये गलती कर रहा था, बॉलर को बताते कि आप बॉलिंग के अंदर वो गलती कर रहे थे। तो हमारा जो माइंड होता है वो नेगेटिव सेट होता है, तो हम 10 बातें उल्टा सीनियर को चेप देते हैं और सीनियर वहाँ से गुस्सा हो जाता है, क्योंकि आप लगातार आपकी हैबिट वही होती है। तो उससे होता क्या है कि फिर सीनियर ना आपके अगेंस्ट प्लॉटिंग करना चालू कर देते हैं, फिर वो आपको लाइक नहीं करते, फिर जहाँ उन्हें चांस मिलता है ना आपको कट करने का, वो आपको कट कर देते हैं। तो इसका सोल्यूशन ये है कि अगर कोई सीनियर आपको बता रहा है और इन केस मैं कहता हूँ वो गलत भी हो, इन केस तो आप उनसे बोलो हाँ भैया मैं नेक्स्ट टाइम इस चीज़ को इम्प्रूव करूँगा, खत्म। सीनियर भी खुश हो जाएगा और आप भी खुश हो जाओगे। आप अपने माइंड के अंदर रखो कि मुझे क्या मेहनत करनी है, किसी के बारे में मत सोचो, बात खत्म। आपका सीनियर भी खुश रहेगा, आप भी खुश रहोगे। दूसरी चीज़ इसके अंदर आती है कि जो इस कैटेगरी के बच्चे होते हैं ना, और इस कैटेगरी के अंदर कुछ बच्चे और आते हैं जो क्रिकेट टाइम पास के लिए खेलने आते हैं, ये दोनों कैटेगरी के बंदे क्या करते हैं, जो जस्टिफिकेशन देते हैं और जो टाइम पास के लिए आते हैं, ये हर चीज़ में कमियां निकालते हैं। आज नेट अच्छा नहीं हो रहा, आज विकेट गीला है, आज विकेट बहुत सूखा है, आज बॉल अच्छा नहीं आ रहा बल्ले पे, आज ये नहीं हो रहा, आज वो नहीं हो रहा, इसी तरह मैच में कमियां निकालते हैं। तो इससे होता क्या है कि हमारा माइंडसेट नेगेटिव सेट हो जाता है और हम लोग परफॉर्म करने के बजाय हम इन चीज़ों पे ध्यान देते हैं और हम इसलिए परफॉर्म नहीं कर पाते। आप जिस चीज़ की बुराई करोगे ना बॉस, उस दुनिया में कोई भी चीज़ हो कभी आपके पास नहीं आ सकती, मैं आपको बता रहा हूँ। और जब हमारा माइंड ऐसे जाता है ना तो फिर हम खराब होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप बिल्कुल भी बुराई मत करो, जो आपके सामने है जैसा आपको ग्राउंड मिलता है वैसे प्रैक्टिस करो और लोग प्लेयर बन रहे हैं, आप भी बन सकते हो, अपना टाइम मत फोड़ो। तो दोस्तों अब हमें यह समझना है कि ये आदत हमें पड़ती क्यों है, और ये आदत हमें पड़ती है 3 कारणों की वजह से। पहला है हम हैबिचुअल हो जाते हैं, एक्सक्यूज देते हैं, 1 बार देते हैं, 2 बार देते हैं, 3 बार देते हैं और कुछ समय बाद वो आदत बन जाती है, फर्स्ट पॉइंट। इसका सेकंड पॉइंट है हमारा जो माइंड है ना, अगर आप उसको कोई गलत चीज़ समझाओगे तो वो गलत ही काम करेगा आपके लिए। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बहुत सारे प्लेयर देखे, कोचेज के सामने तो पैर छूते हैं कोचेज के और पीठ पीछे जाकर उनको गाली देते हैं, सीनियर्स को गाली देते हैं, अपने जो टीममेट्स होते हैं उनकी बुराई करते हैं पीठ पीछे। पता है क्यों करते हैं वो बुराई? क्योंकि उनको वो करना सही लगता है। और आप अगर किसी चीज़ की बुराई करते हो ना, आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। तो आप बुराई करते हो कोच की, आपको लगता है मैं सही कर रहा हूँ, और उस वजह से आप ना तो कोच की सुनते हो ना सीनियर की सुनते हो, फिर एक समय बाद आप क्रिकेट की बुराई करते हो तो आप अपने गेम से दूर होते चले जाते हो, लोगों से दूर होते चले जाते हो। और ये जो बात है आप कहीं भी अप्लाई करोगे ना तो आपको हमेशा नेगेटिव रिजल्ट देगा ये, और बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं। थर्ड पॉइंट है जो लोग इस आदत को अडॉप्ट करते हैं ना, वो पता है क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो अंदर से खोखले होते हैं, वो चैलेंजेस को नहीं ले पाते। चैलेंजेस क्या होते हैं? आप बैटिंग करने गए, आप ओपन करते हो, ओपन पे 10 बार आउट हो गए, 11वीं बार आप जाओगे ना तो आपका कॉन्फिडेंस शेक हो जाएगा, मतलब कि आपको कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा, और वहाँ से लोगों का टेस्ट स्टार्ट होता है। या तो वो उस फीलिंग के लड़के आगे रन करें या वहाँ पर बैटिंग करना छोड़ देते हैं और फिर किसी ऑल डाउन पे करते हैं, और इसी तरह करते करते वो फिर बैटिंग से बॉलर बन जाते हैं, और इसी तरह करते करते वो बैट्समैन से बॉलर बन जाते हैं, उसके बाद बॉलर से फिर बैट्समैन बन जाते हैं, क्योंकि वो लड़ते नहीं है फीलिंग से, इसी तरह बॉलर का है, राइट। तो आपको ये जरूर समझना है कि खोखला नहीं बनना आपने, आपने स्ट्रांग बनना है।
तो दोस्तों अब हमने इस हैबिट के बारे में ऑलमोस्ट सब कुछ जान लिया है, बट जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में कुछ पॉजिटिव डिस्कस किए थे जिससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, तो उस फायदे की बात करूँगा, यानी कि सॉल्यूशन की बात करूँगा। और वो सॉल्यूशन ये है कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपके माइंड के अंदर एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको ये पता लग जाएगा कि ये हैबिट मुझे कितना नुकसान कर रही है और कितना फ़ायदा पहुंचा रही है। और जब आपको नेगेटिव और पॉजिटिव पता लग जाता है तो आप आराम से डिसीजन ले सकते हो। तो वीडियो को कोशिश करें ज़्यादा बार देखने की, राइट। इसका सेकेंड सोल्यूशन है, अगर आपको कोई भी फ्रेंड इस हैबिट के अंदर आ चुका है तो उसको छोड़ना आपको पड़ेगा। अगर आपका क्लोज फ्रेंड भी है तब भी आपको उसे सिर्फ हाई बाय रखनी पड़ेगी। अगर आप उसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो तो आपको भी प्रॉब्लम आ सकती है। और इसका थर्ड सॉल्यूशन है, अगर आपका फ्रेंड आपको लगता है कि वो थोड़ा सा सीखने वाला है, वो लर्न कर सकता है इस स्किल को, तो आप उससे ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो उस हैबिट के ऊपर जो आपको कहीं ना कहीं इफेक्ट करती जा रही है, आपके गेम को ख़राब करती जा रही है। और अगर ये हैबिट आपके अंदर नहीं है तो डेफिनेटली आप ग्रो करने वाले हो। और इस वीडियो से आपने जो भी सीखा हो आप मुझे कमेंट में बताइए। एंड जैसा हम हमेशा हर वीडियो के एंड में अपने नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक बताते हैं, तो हमारे नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक है क्रिकेटर नहीं बना तो डैश मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ और आपके फैमिली के लिए छोड़ रहा हूँ। बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं ना, जब हम क्रिकेट स्टार्ट करते हैं तो बोलते हैं बेटा क्रिकेटर नहीं बना तो क्या करेगा, कहीं बर्बाद तो नहीं हो जाएगा, और हम भी ये बात सोचते हैं। तो मैं इसका सोल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर दूंगा। एंड जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको पता है क्या करना है। विद दिस थैंक यू सो वेरी मच।